नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में आज 2317 नए कोरोना पॉजिटिव, इन 4 जिलों में स्थिति गंभीर। आपको बता दें मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का तांडव जारी, आए दिन कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार 10 जनवरी 2022 को फिर 2300 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसमें इंदौर में 645, भोपाल में 489, ग्वालियर में 328 तो जबलपुर में 192 नए संक्रमित मिले हैं। इन केसों के बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 8500 के पार पहुंच गए हैं और संक्रमण दर 3.7% हो गई है। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर में पहली बार कोरोना से युवती की मौत हुई है। 22 साल की ये युवती सागर की रहने वाली थी। उसे 10 दिन से सर्दी और बुखार था, वह घर पर ही इलाज कराती रही। हालत गंभीर होने पर परिवार वाले उसे 2 दिन पहले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले आए। यहां पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला। सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक मौत छतरपुर में भी हुई है। अब तक की मौतों में ज्यादातर की उम्र 50 के ऊपर थी। मध्य प्रदेश में 15 दिसंबर 2021 के बाद अब तक कोरोना से 10 मौतें हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 2317 संक्रमित मिले। इंदौर में 645, भोपाल में 489, ग्वालियर में 328 तो जबलपुर में 192 नए संक्रमित मिले हैं। इन्हीं 4 शहरों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है और यहीं प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भी है। ग्वालियर में 6 भी पॉजिटिव आए हैं। भोपाल में 27 बच्चे संक्रमित मिले हैं। उज्जैन में 93 और रतलाम में 44 मरीज आए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से बर्बादी, 12 से अधिक जिलों में फसलें खराब, आधे प्रदेश में ठिठुरन। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से लेकर ओले गिरे हैं। इससे सागर समेत 12 से अधिक जिलों में फसलें बर्बाद हो गई है। भिंड में कई मकानों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। मौसम विज्ञानी वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि बादल चटने से आधे मध्य प्रदेश में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। भोपाल और रायसेन समेत कई इलाकों में अचानक रात का पारा 6 डिग्री से ज्यादा नीचे आ गए हैं। आपको बता दें बारिश और ओले गिरने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हरदा, बैतूल, दतिया, सागर, रीवा, टीमागढ़, दामोह, निवाड़ी, सिवनी, उमरिया, नरसिंहपुर, मंडला, शिवपुरी, डिंडोरी और शेडोल में फसल और कई घरों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें यूपी में सिस्टम के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी में नमी आने के कारण कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में शेड्यूल जबलपुर, सागर, बैतूल और रीवा में गरज चमक के साथ कई कई बौछारें पड़ सकती है। राजगढ़, शाजापुर, रतलाम, गुना, मंदसौर, जबलपुर, सागर, छतरपुर और ग्वालियर संभागों में कई कई हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है। और अब सागर में सिस्टम के कमजोर होने के कारण इंदौर, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर में अब मौसम साफ हो गया है। इससे भोपाल में अचानक तापमान 6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। ऐसे में इन इलाकों में सोमवार से ठंड की वापसी हो गई है। सागर, जबलपुर समेत कुछ इलाकों में अभी बारिश जारी रहेगी, ये 3 दिन हो सकती है। इसके कारण अभी ये यहाँ के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। प्रदेश में अभी खुले रहेंगे स्कूल, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। आपको बता दें सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर सक्रिय रहे, जरूरत पड़ने पर तमाम इंतजाम उपलब्ध रहे, वही होम आइसोलेशन में जो है उनके रोज 2 बार बात की जाए, हालचाल जाना जाए और इसके साथ ही हमारा सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो जाए। हालांकि अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है लेकिन केस बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि 16 तारीख को 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन हो जाए, यह हमारा टारगेट है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में रोजाना हो रहे कोविड टेस्ट ठीक से होने चाहिए, आंकड़े ठीक ढंग से उसी दिन के आए ताकि स्थिति का आकलन वास्तविक ढंग से किया जा सके। मास्क को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्क को लेकर कड़ी से पालन हो, अनावश्यक प्रतिबंध न लगाए, जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत कदम उठाएंगे। स्कूल भी अभी 50% से चलने दे, स्कूल अभी बंद न किया जाए, बड़े मेलों पर रोक लगा दी गई है। अभिनंदन जैसी मूछ वाले सिपाही से बातचीत, राणा बोले सस्पेंड करने का कारण तो सर ही बता सकते हैं, मूछ हटाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की जैसी मूछ रखने वाले सस्पेंड आरक्षक राकेश राणा को पुलिस मुख्यालय को 3 दिन के अंदर बहाल करना पड़ा। PHU ने पहले आदेश को रद्द करते हुए लिखा है कि राकेश के सस्पेंड किए जाने के आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है, इस कारण उनका आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। बता दें कि राकेश राणा को ऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारंटी के AIG प्रशांत शर्मा ने सस्पेंड कर दिया था। राकेश को ऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारंटी के DG के यहाँ ड्राइवर थे। वापसी का आदेश मिलने के बाद राकेश ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, कोई गलती नहीं की थी, सस्पेंड का आदेश रद्द होना इसी का प्रमाण है। राकेश ने कहा कि तनाव तो रहा लेकिन अब कभी भी मूछें हटाने के बारे में सोचा नहीं, अभी ड्यूटी तय नहीं है, विभाग जो भी ड्यूटी देगा उसे करूँगा।
कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला, बोले प्रदेश में ओलावृष्टि से काफी नुकसान, सीएम का सिर्फ बयान आया, जहां ओले गिरे वहां प्रशासन की तैयारी नहीं। आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। नाथ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पिछले 3 दिनों में हुई भारी ओलावृष्टि से कई किसानों की फसलें चौपट हो गई है, बावजूद स्थानीय प्रशासन ने कोई प्रबंध नहीं किए हैं। इस दौरान सिर्फ शिवराज का बयान आया, हकीकत ये कि किसानों को राहत नहीं पहुंच पा रही है। कमलनाथ ने मांग की किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी अध्यादेश लाई वे असंवैधानिक था, सरकार बिना आरक्षण, बिना रोटेशन और बिना परिसीमन के चुनाव कराना चाहती थी, इससे सभी के अधिकार छीने जा रहे थे। कमलनाथ ने मांग की है कि अगले 2 महीने में रोटेशन और परिसीमन और आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव साथ कराया जाए, यदि चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो गाँव और ब्लॉक व जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।